गाइस आज हम कोको कोला की सहायता से वेल्डिंग करने वाले हैं। देखते हैं कि कोको कोला से वेल्डिंग हो पाती है नहीं हो पाती है। तो गाइस आप देख सकते हैं जो वायर्स जो कनेक्शन हमने यहाँ पे पूरा सेटअप कर दिया है और अब इसके अंदर कोको कोला डालेंगे और वेल्डिंग करके देखते हैं कि कोको कोला से वेल्डिंग हो पाती है मेटल के ऊपर या नहीं हो पाती है। जो दो वायर है वो मेन सप्लाई के अंदर जुड़े हुए हैं और एक वायर है वो हमारी वेल्डिंग रोड के ऊपर लगा हुआ है डायरेक्ट, और जो एक वायर वाला लाल जो एक लाल वाला वायर है हमने इसको बीच पे कट करके और कुछ इस तरह की दो रोड लगा दी है और इसके अंदर कोको कोला डालेंगे। और जो एक वायर है हमने मेटल के नीचे लगा दिया है जो कि ग्राउंड का काम करेगा, एक वायर के ऊपर हमने वेल्डिंग रोड लगा दी है। तो गाइस कुछ इस तरह से जो कनेक्शन हमने कर लिए है और अब इसके अंदर कोको कोला डालते हैं। भाई हमने पहले कोको कोला के अंदर 230 वोल्टेज इलेक्ट्रिक सप्लाई वाला वीडियो बनाया था, यदि वो नहीं देखा है तो वो एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। भाई जो हमारा कंटेनर वो आधे से ज्यादा कोको कोला से भर चुका है और जो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं वो कोको कोला के अंदर डूब चुके हैं, इससे वेल्डिंग हो पाएगी अच्छे से। और मैं सेफ्टी के लिए यहाँ पे ग्लव पहन लेता हूँ और पैरों के अंदर सेफ्टी के लिए मैंने मोटे सोल वाली चप्पल पहन रखी है और आंखों के और गाइस जो वेल्डिंग करते समय इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है जो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब कर सकता है, इसलिए मैं जो ब्लैक के चश्मा है वो लगा रहा हूँ। और अब आपके भी इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कोको कोला से वेल्डिंग हो पाती है नहीं हो पाती। तो गाइस आप इस तरह का बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो गाइस हम जो भी करते हैं वो सेफ्टी के साथ करते हैं। तो गाइस ट्राई करते हैं कि हमारा जो जुगाड़ है वो काम करता है नहीं करता है। गाइस इसके अंदर हल्की वेल्डिंग हो रही है, ज़्यादा जो पावरफुल वेल्डिंग नहीं हो पा रही है और हमारी जो कोको कोला वो साथ में बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। तो गाइस हमारी जो कोको कोला वेल्डिंग मशीन है वो ज़्यादा मोटा मेटल है, इसके ऊपर काम नहीं करी, इसलिए मैंने दो चादर ली है और इसके ऊपर वेल्डिंग करके देखते हैं क्या इनके ऊपर वेल्डिंग हो पाती है नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं हमारी जो कोको कोला है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो चुकी है और हमारा जो बॉक्स भी है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। और गाइस आप देख सकते हैं हमने जो दो प्लेट्स के ऊपर वेल्डिंग की थी उनके ऊपर भी वेल्डिंग नहीं हुई है और जो मेटल के ऊपर वेल्डिंग की थी वो भी नहीं हो पाई है। तो गाइस जो कोको कोला से हम वेल्डिंग करते हैं उनके अंदर स्पार्क ही होता है, वेल्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ। जय हिंद जय भारत।